लॉरी के नीचे लॉरी स्पीड ब्रेकर निकल रहे निकल जाएंगे निकल जाएंगे तेलंगाना स्टेट में किए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिल सकती। एक आध गलती हुई होंगी कहीं इंसान ही से, हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक आध आदमी से कुछ गलती हो गई तो उसमें भी बात हम देख रहे हैं। कुछ लोग आर्गुमेंट के अंदर जाने के थोड़ा पुलिस को बस नीचे लेवल के लोगों को कॉन्स्टेबल्स को या होमगार्ड वाले लाठी का इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पुलिस सर्विस देने के लिए लाठी उठाने के लिए नहीं है, आवाम की खिदमत के लिए पुलिस है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस है। वो उसके लिए पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आती है। मैं पुलिस ऑफिसरों से भी गुजारिश करता हूँ अपने नीचे माथे लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दीजिए ताकि आइंदा कभी भी आज के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे कि केसेस तेलंगाना गवर्नमेंट कम बता रही है। ऐसा है साहब, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है मालूम, जो अच्छा काम करते हैं अपोजिशन वाले उल्टा बोलते हैं। अब वो तो उनकी आदत है, डेफिनेट वो बहुत बोले थे तेलंगाना बनने से पहले। तेलंगाना टीआरएस पार्टी जब परसों फॉर्मेशन डे था हम उस वक्त सुने स्पीच, ये सिर्फ बारिश के मौसम तक खत्म होने वाली पार्टी है, वही बोले थे अपोजिशन वाले। इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, हम अपोजिशन हमेशा हर बात उल्टी का हाथ कहती है, मगर आप ऑब्जर्व करने वाले मीडिया वाले हैं, सारे वर्ल्ड वाले तेलंगाना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ सारे वर्ल्ड की तरफ नज़र तेलंगाना पे, जहाँ जिस तरह कंट्रोल किया है, आप देखिए हमारे पास कितने कम पेशेंट, 6 पेशेंट का लाए, बहुत अच्छा। मगर हम मेरी अपील यही है, ये ख़त्म करना आवाम के हाथ में, फिर शुरू करना भी आवाम के हाथ में। अगर आगे इसके बाद भी 2-4 महीने तक ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, खासतौर से उम्र रसीदा लोगों को जो किसी वजह से और बीमार है, किडनी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, उनसे भी मेरी गुजारिश है आप बाहर मत निकलिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और जब भी आप बाहर जाके आते हैं अपने हाथ अच्छा तरीके से, जो भी सैनिटाइज आपके पास हो या साबुन कम से कम उनसे हाथ धो लीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले हैं 2 गज का डिस्टेंस, CM साहब भी बताएं कि 4 फीट 5 फीट कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ज़रूर हम अगर एहतियात करेंगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मीडिया का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तेलंगाना स्टेट में किए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिल सकती। एक आध गलती हुई होंगी कहीं इंसान ही से, हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक आध आदमी से कुछ गलती हो गई तो उसमें भी बात हम देख रहे हैं। कुछ लोग आर्गूमेंट के अंदर जाने के थोड़ा पुलिस को बस नीचे लेवल के लोगों को कॉन्स्टेबल्स को या होमगार्ड वाले लाठी का इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पुलिस सर्विस देने के लिए लाठी उठाने के लिए नहीं है, आवाम की खिदमत के लिए पुलिस है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस है। वो उसके लिए पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आती है। मैं पुलिस ऑफिसरों से भी गुजारिश करता हूँ अपने नीचे माथे लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दीजिए ताकि आइंदा कभी भी आज के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे कि केसेस तेलंगाना गवर्नमेंट कम बता रही है। ऐसा है साहब, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है मालूम, जो अच्छा काम करते हैं अपोजिशन वाले उल्टा बोलते हैं। अब वो तो उनकी आदत है, डेफिनेट वो बहुत बोले थे तेलंगाना बनने से पहले। तेलंगाना टीआरएस पार्टी जब परसों फॉर्मेशन डे था हम उस वक्त सुने स्पीच, ये सिर्फ बारिश के मौसम तक खत्म होने वाली पार्टी है, वही बोले थे अपोजिशन वाले। इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, हम अपोजिशन हमेशा हर बात उल्टी का हाथ कहती है, मगर आप ऑब्जर्व करने वाले मीडिया वाले हैं, सारे वर्ल्ड वाले तेलंगाना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ सारे वर्ल्ड की तरफ नज़र तेलंगाना पे, जहाँ जिस तरह कंट्रोल किया है, आप देखिए हमारे पास कितने कम पेशेंट, 6 पेशेंट का लाए, बहुत अच्छा। मगर हम मेरी अपील यही है, ये ख़त्म करना आवाम के हाथ में, फिर शुरू करना भी आवाम के हाथ में। अगर आगे इसके बाद भी 2-4 महीने तक ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, खासतौर से उम्र रसीदा लोगों को जो किसी वजह से और बीमार है, किडनी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, उनसे भी मेरी गुजारिश है आप बाहर मत निकलिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और जब भी आप बाहर जाके आते हैं अपने हाथ अच्छा तरीके से, जो भी सैनिटाइज आपके पास हो या साबुन कम से कम उनसे हाथ धो लीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले हैं 2 गज का डिस्टेंस, CM साहब भी बताएं कि 4 फीट 5 फीट कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ज़रूर हम अगर एहतियात करेंगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मीडिया का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, JP प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में, ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी,
ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर कोथूर विलेज पे वाके। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आएं न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर ओरमकड्डा, हैदराबाद।